नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम का आदेश, राज्य में नहीं हो यूरिया और अन्य खाद की किल्लत, कृषि की स्थिति को बेहतर बनाने पर करें फोकस, हर किसान के हाथ तक पहुंचे केसीसी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खाद की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया और अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कहा है। उन्होंने धनबाद में बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। साथ ही सीएम क्रेडिट कार्ड इशू करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए चलाई जाएंगी 112 नई बसें। पटना से राज्य के दूसरे शहरों में जाने के लिए यात्रियों को अब बसों की कमी नहीं होगी। पटना से दरभंगा, समस्तीपुर, सासाराम, जमुई, बांका, पाली, भभुआ, औरंगाबाद, भीटामोड़, मानपुर समेत झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच परिचालन के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार राजपथ परिवहन नगर निगम राज्य के भीतर 50 रूटों पर झारखंड के लिए 10 तथा यूपी के लिए 6 रूटों पर परिचालन में बसों की संख्या बढ़ाएगा। निगम की ओर से इन 66 रूटों पर 370 बसें चलाई जाएगी। बिहार के अंत क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय मार्गों के विवरण, आवेदन के प्रारूप और बसों के परिचालन की शर्तें परिवहन विभाग की ओर से जारी हो चुकी है। पलामू में 3 लुटेरा गिरफ्तार, 13 दिन पहले सरेराह एजेंट को बनाया था निशाना। गिरफ्तार अपराधी लूट और चोरी की घटना में पहले भी जा चुके हैं जेल। पलामू पुलिस ने 13 दिन पहले एजेंट से हुई लूट कांड की गुत्थी सुलझा ली है। गुरुवार को इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के घर से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर का चोरी का बाइक बरामद भी हुआ है। इनकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन और बैग रबदा के भले ही जंगल से मिला है। घटना में शामिल 2 अपराधी फरार है। चैनपुर थाना प्रभारी उदय गुप्ता ने बताया कि मामले में गिरफ्तार अपराधी संजय चौधरी चरणवा का रहने वाला है। वह कंपनी का ऋण धारक भी है। उसे एजेंट की पूरी गतिविधि की जानकारी थी। उसे पता था कि एजेंट गोपाल बड़ी रकम लेकर इलाके से जाता है। इसके बाद संजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। झारखंड के कई इलाकों में तीसरे दिन भी हो रही है बारिश। झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार को तीसरे दिन भी अच्छी बारिश हो रही है। राज्य के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में दिन में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की और कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी आने वाले 4 दिन तक कमावेश झारखंड में बारिश होती रहेगी। शनिवार से बारिश की मात्रा और उसके फैलाव में कमी आएगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि शुक्रवार को झारखंड के ऊपर केंद्रित लो प्रेशर सिस्टम उत्तरी भाग से होता हुआ बिहार में प्रवेश कर गया है। वहां से सिस्टम उत्तर प्रदेश की ओर चला गया है। इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी से नमी खींचने की वजह से झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले 4-5 दिन के बाद बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर गया लो प्रेशर सिस्टम फिर से वापस झारखंड की ओर लौटेगा। इसके बाद फिर यहां बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में शनिवार से राज्य के आधे इलाके में बारिश में कमी आएगी। इसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में पंचायत सेवक 5,000 घूस लेते गिरफ्तार। पीएम आवास योजना के अग्रिम भुगतान के लिए कर रहा था सौदा। 10 महीने में 7 अधिकारी घुसखोरी में एसीबी के हत्थे चढ़े। हजारीबाग में बरकट्टा के पंचायत सेवक उदित नारायण वर्मन को एसीबी की टीम ने शुक्रवार को 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार की है। उसे उसके आवास से ही गिरफ्तार किया गया है। उसे चुगलगामो गांव निवासी अजय कुमार चौधरी से पीएम आवास योजना की अग्रिम भुगतान के लिए लेते पकड़ा गया है। हजारीबाग एसीबी टीम की इस साल की यह 7वीं गिरफ्तारी है। पीएम आवास के लिए चयनित लाभुकों को अग्रिम भुगतान के लिए पंचायत सेवक ने 10,000 रुपये की डिमांड रखी थी। अंत में मामला 5,000 रुपये में फाइनल हुआ था। घूस की राशि नहीं देने पर वह लाभुकों को चक्कर लगवा रहा था। बगैर पैसा लिए भुगतान करने से इनकार भी कर दिया था। अंत में इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने उसकी गिरफ्तारी का जाल बिछाया। लाभुक निर्धारित समय के अनुसार उसके किराए के आवास पर पैसा लेकर पहुंचे। पैसा हाथ में लेते ही टीम ने उसे धर लिया। पुष्टि के लिए पैसा पकड़ने के बाद उसका हाथ पानी में डलवाया गया। हाथ डालते ही पानी का रंग गुलाबी हो गया। टीम उसे गिरफ्तार कर हजारीबाग ले गए। खबर है झारखंड के दुमका से। 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद दुमका के मसानजोड़ गेट का 21 में से 14 गेट खोला गया। चक्रवाती तूफान के कारण 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद शुक्रवार को सुबह दुमका में धूप खिली, लोगों ने रात की सांस ली। इधर 3 दिनों से हुई बारिश के कारण नदियों में उफान है। मसानजोर डैम के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण डैम प्रबंधन ने सतर्कता बरतते हुए 14 गेट को खोल दिया है। इस डैम में कुल 21 फाटक है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे मसानजोर डैम में जलस्तर 386.4 फीट रिकॉर्ड की गई, जो अभी खतरा का निशान से करीब 12 फीट नीचे है।
आप सबको बता दूं कि मसाजोड डैम का खतरा का निशान 398 फीट है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज प्लेटफॉर्म पर साइकिल चलाने से रोका तो दोस्तों को बुलाकर पुलिसकर्मियों पर किया हमला। साहिबगंज रेल थाना में गुरुवार रात 9:10 पर कई दर्जन युवकों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। इसमें रेल थाना का शीशा, बोर्ड और कुर्सी क्षतिग्रस्त हो गई। बीच बचाव के दौरान जवानों के साथ मारपीट करने की शिकायत भी मिली है। रेल पुलिस के अनुसार रात में डाउन वनांचल एक्सप्रेस के समय एक युवक प्लेटफॉर्म पर साइकिल चला रहा था। इसी बीच जीआरपी के जवान द्वारा रोका गया तो इस पर उक्त युवक ने अन्य साथियों को कॉल कर मौके पर बुला लिया। इसके बाद सभी लाठी डंडे के साथ थाने में घुसकर प्रहार करने लगे। इसमें कार्यालय में मौजूद कई कर्मचारी घायल हो गए और ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह और नगर थाना प्रभारी सुनील सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की जांच किए हैं। उधर धनबाद रेल डीएसपी साजिद जफर ने बताया कि रेल थाना प्रभारी को दोषियों पर केस करने का निर्देश दिया गया है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। वॉलीबॉल खेल के प्रति पाकुड़ के बच्चों में है काफी रुचि, संतोष ने कहा। जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से आयोजित 5 दिवसीय खेल वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। रेलवे वॉलीबॉल मैदान में 5 दिनों तक चली प्रशिक्षण शिविर में जिले के कुल 30 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पूरे झारखंड में एक साथ सभी जिलों में किया गया था। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की तकनीक और फिटनेस स्तर को बढ़ाना है। समापन समारोह में रांची से आए प्रशिक्षण संतोष कुमार का सम्मान समारोह का आयोजन वॉलीबॉल संघ के खिलाड़ियों के द्वारा किया गया। मौके पर प्रमुख रूप से जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव साबिर राय, उपाध्यक्ष सह प्रशिक्षक संजय कुमार ओझा, सह सचिव अनिकेत गोस्वामी, वरिष्ठ खिलाड़ी विजय कुमार राय, सुशील शाह, सादिकुल आलम आदि मौजूद थे। इस अवसर पर प्रशिक्षक को खिलाड़ियों ने माल्यार्पण कर एवं शॉल तथा अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।